पंजाब असेंबली के सामने नर्सेस का सुबह से अपने मुतालबात के हक में एहतजाज दूसरे रोज भी जारी है। पंजाब असेंबली के सामने नर्सेस का एहतजाज जारी है, इसी बारे में मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे फरहान यामीन से। फरहान यामीन, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं चेरिंग क्रॉस पर मौजूद हूँ। यंग नर्सेस एसोसिएशन का जो एहतजाज है दूसरे रोज़ भी जारी है। कल इनके जो मसूर शेयर थे ख्वाजा सलमान, उनके साथ इनके मुजाकरात हुए थे, तमाम वो नाकाम हो गए थे, जिसके बाद रात गए इन्होंने अपना धरना गुज़िश्ता रोज़ मौखर कर दिया था। लेकिन आज सुबह 9 बजे से ये लोग चेरिंग क्रॉस पर मौजूद हैं। अब तक किसी भी हुकूमती नुमाइंदे ने इनसे किसी भी किस्म से कोई रब्ता नहीं किया है कि इनसे किसी भी किस्म के कोई मुजाकरात नहीं हुए हैं। यहाँ पर यंग नर्सेस एसोसिएशन को बैठे हुए अब 12 घंटे तकरीबन जो है गुजर चुके हैं। सख्त गर्मी में भी ये बहती रही हैं और कल दो जो नर्सिस हैं वो यहाँ पर हर बेहोश भी हुई थी। अब नर्सिस का कहना है क्योंकि किसी भी हुकूमती एहलकार ने इनसे किसी भी किस्म का कोई रब्ता नहीं किया है, लिहाजा ये अपना धरना जो है रात भी जारी रखेंगी और उस वक्त तक ये यहाँ पर बैठी रहेंगी जिस वक्त तक इनके मुतालबात मंजूर नहीं होते। इनके दो और जो किसी हुकूमती एहलकार ने मुजाकरात के लिए रब्ता नहीं किया, धरना जारी रहेगा। शुक्रिया फरहान यामीन।